उल्लेख अलेख एक पदार्थ को अब अनेक प्रकार से वर्ण किया जाता है जाए तो उल्लेख अलंकार कहलाता है। उल्लेख यह उल्लेख दो रूपों में होता है, एक ही व्यक्ति द्वारा अनेक व्यक्ति द्वारा। उदाहरण के लिए, जनति सोती अनीति है, जानत सखी सुनीति, गुरुजन जानती लाज है, प्रतिम जानती प्रति। यहाँ सौत सखी गुरुजन तथा प्रिय द्वारा नायिका को विविध प्रकार से देखने के वर्णन में उल्लेख है। दृष्टांत, जहाँ उपमेय वाक्य उपमान वाक्य एवं अनेक साधारण धर्मों में यदि बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, परी प्रेम नंदलाल के मोहि न भावत जोग, मधुप राजपद पाई के भीखन मांगत लोग। अर्थांतरन्यास अलंकार, अर्थांतर का अर्थ है अन्य अर्थ का न्यास या रखना, अर्थात विशेष का सामान्य के साथ तथा सामान्य का विशेष के साथ समर्थन करना अर्थन्यास अलंकार कहलाता है। अलंकार टेढ़ जाति वंदे सब काहू, वक्र चंद्र मही ग्रह से न राहु। यहाँ द्वितीय वाक्य प्रथम वाक्य के समानार्थ समर्थन में प्रयुक्त हुआ है। निदर्शन, दो पदार्थों का संभव या असंभव संबंध उनमें सादृश्य की कल्पना कराए तो निदर्शन अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, रसवारे प्यारे परम अरुणारे अति ऐन कमलन के गुण गही रहे, नवगा नव नागरी तुवे नैन। समासोक्ति अलंकार, जब प्रस्तुत वृतांत के द्वारा अप्रस्तुत वृतांत की प्रतीति हो तो समासोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो विंध्यो आगे कौन हवाल। पर्यायोक्ति, किसी पदार्थ का जिस प्रकार से कथन किया जाता है यदि उसे छोड़कर अन्य तरीके से कथन किया जाए तो पर्यायोक्ति होती है। उदाहरण के लिए, फेरी कछुक करी पौरी ते फिरी चित्तई मुसुक्या या आई मामन लेन तिया निहे गई जमाए। विशेषोक्ति, विशेषोक्ति का अर्थ है विशेष उक्ति अर्थात विशेषों के कारण के होने पर भी कार्य का न होना वर्णित होता है। उदाहरण के लिए, नेह न नैननी को कहो उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। यहाँ जल के नित्य प्रति रहने पर भी नेत्र की प्यास नहीं बुझाना विशेष है। असंगति, इसमें कारण का होना कहीं और कार्य का होना कहीं वर्णित होता है। उदाहरण के लिए, लागत जो कंटक तिहारे पाई प्यारे हाई, आई पहले ही हिय बोधत हमारे है। यहाँ पैर में कांटा गड़ता है, विधाता है हृदय, अतः असंगति है। विरोधाभास, जहाँ वास्तविक विरोध न होकर विरोध का आभास मात्र हो वहाँ विरोध
विरोधाभास अलंकार कहलाता है, या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोय, जो जो बड़े श्याम संग श्याम रंग त्यों त्यों उजल होए। यहाँ काले रंग में डूबने से उज्जवल होना विरोध कथन है, परंतु इस विरोध का परिहार हो जाता है जब भक्ति ज्यों ज्यों कृष्ण के प्रति अनुराग करेगा त्यों त्यों उसमें सात्विक भाव उभरता जाएगा। यथा संख्या क्रम, जहाँ पूर्व कथित पदार्थों के क्रम का उसी क्रम से अंत तक निर्वाह करने का वर्णन होता है, उसे यथा संख्या अलंकार कहते हैं। उदाहरण, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जी जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवन एक बार। यहाँ अमृत विष शराब के रंग एवं गुण का क्रमशः वर्णन है, यथा संख्या अलंकार कहलाता है। 24वां, व्याज स्तुति अलंकार, जहाँ निंदा के बहाने स्तुति और स्तुति के बहाने निंदा वर्णित हो उसे व्याज स्तुति अलंकार कहता है। उदाहरण के लिए, वाओ वचन मूर्ति अनुकूला बोलत वचन झरत जनु फूला, वाणी से फूल झड़ना प्रशंसा से कटु वाणी कहना निंदा परक अथवा व्यंजित हो रहा है। 25वां, प्रति वस्तु उपमा, जब उपमेय या उपमान वाक्यों का एक साधारण धर्म शब्दांतर से कथित हो वहां प्रति वस्तु उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, नहीं असत्य सम पातक पुंजा गिरि सम होई के कोटिक गुंजा। यहाँ जहाँ प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत दोनों वाक्यों में सादृश्य प्रस्तुत किया गया है। 26वां, तुल्योगिता अलंकार, जब अनेक वस्तु को या अनेक अप्रस्तुतों को एक ही धर्म साधारण धर्म से अन्वित किया जाए। उदाहरण के लिए, मंद मंद जपते भई चंद्रमुखी तब चाल मन मलिन तब ते भय मत मन मत मतंग मराल। यहाँ मतंग और मराल का एक धर्म मलिन कथित है, अतः तुल्योगीता है अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, तद गुण, अपने गुण का त्याग कर निकटस्थ उत्कृष्ट गुण वाली वस्तु का गुण ग्रहण करना तद्गुण अलंकार कहलाता है। उदाहरण के लिए, उधर उधर हरि के परत ओंट दीठी पट ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होती, हरे बांस की बांसुरी कृष्ण के अधरों का रंग ग्रहण कर अपने रंग का परित्याग करने के कारण तद्गुण है अलंकार होता है। नेक्स्ट है अत अतद्गुण, संभव होने पर भी जब कोई वस्तु समीपवर्ती वस्तु का गुण ग्रहण न करे तो
तद्गुण अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, चंदन विषैले सर्पों से सर्पों के संसर्ग में आने पर अपने शीतलता गुण नहीं छोड़ते बताया गया है, अथा तद्गुण अलंकार है। मिलित अलंकार सादृश्य का कारण एक वस्तु में दूसरे वस्तु इस प्रकार मिल जाए कि दोनों की किसी प्रकार का भेद ज्ञान न रहे, उसे मिलित अलंकार कहा जाता है। उदाहरण के लिए, बरनवास सुकुमारता सब विधि रही समाए, पंखुरी लगी गुलाब की गाल न जानी जाए। रस सुगंध और कोमलता की समानता के कारण नायिका के कपोल पर लगी गुलाब की पंखुड़ी का ज्ञान न होना मिलित है। 30. उन्मिलित अलंकार एक वस्तु में दूसरे वस्तु की छिप जाने पर किसी कारण विशेष से भेद का ज्ञान होना उन्मिलित अलंकार कहलाता है। मिली चंदन वेदी रही गोरे मुख न लखात, जो जो मदलाली चढ़े त्यों त्यों उघटत जात। गोरे सुख में छिपी हुई चंदन की बिंदी मदलाली छाने पर प्रकट हो गई, अतः उन्मिलित है। अपहुंती अपहुंती का अर्थ है छिपाया हुआ। छिपाकर प्रस्तुत का उस गोय पर आरोपण ही अपहुंति अलंकार है। किसुक गुलाब कचनार और अनारन की डारन पे डोलत अंगारन को पुंज है। 32. परिसंख्या किसी वस्तु के गुणादि को उस वस्तु के अन्य स्थानों से हटाकर एक ही स्थान पर प्रतिस्थापित कर देना परिसंख्या है। मूल ही उदाहरण के लिए, मूलन ही की अध्योगति जहाँ केशव गाय, होम हुतासन धूम नगर एके मलिनाई या। अधोगति केवल जड़ों की ओर नगर में सलीनता केवल होम के धूप से होना परिसंख्या है। मुद्रा जहां वर्ण विषय में अर्थांतर भंगिमा के साथ साथ संज्ञार्थ की अप्रामाणिक व्यंजना का नाम मुद्रा अलंकार है। उदाहरण के लिए, पांडव की प्रतिमा सम देखो, अर्जुन भीम महामति लेखो। पंचवटी में वृक्षों के प्रकरणिक अर्थ के साथ अर्जुन एवं भीम वीर योद्धाओं की व्यंजना के कारण मुद्रा अलंकार कहलाता है। लोकोक्ति सादृश्य आदि की सिद्धि के लिए लोक में वर्णित विविध मुहावरों एवं उक्तियों के दृष्टांत को लोकोक्ति अलंकार कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जहां कुम्हड बतिया कोड नाही, जे तरजन देखे कुमालनी, यहां लोको पवाद तरजनी के संकेत से कुमह डे की
बतिया का सूख जाना के कारण यहाँ लोकोक्ति है। विनोक्ति किसी वस्तु का शोभन या अशोभन बिना हीन आदि द्वारा जहाँ जहाँ वर्णित किया जाए वहाँ विनोक्ति अलंकार होता है। जिमी भानु बिनु दीन प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमी चांदनी तिमी अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समूह झी धौ जिए भामिनी। यहाँ बिन बिन के अनेक प्रयोगों द्वारा अयोध्या के तेजहीन का वर्णन अन्योक्ति अलंकार है। सहोक्ति जहाँ जहाँ सहवाची शब्द के द्वारा अनेक कार्य व्यापारों में एक धर्म का वर्णन किया जाए जहाँ सहोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए बलु प्रताप वीरता बड़ाई नाक पीना कहीं संग सिधाई। यहाँ बल प्रताप वीरता प्रतिष्ठा का धनुष नष्ट होने के साथ साथ नष्ट हो जाना सहोक्ति अलंकार का सूचक है। परिकर जहाँ किसी वाक्य काव्य वाक्य में कोई विशेषण पद सभी प्राय नियोजित हो उसे परिकर अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए चक्रपाणि हरि को निरखी असुर जाति भगी दूर। यहाँ हरि का विशेषण चक्रपाणि सभी प्राय कवि द्वारा प्रयोग किया गया है। परिरक रामकुर काव्य में जब सभी प्राय विशेष्य प्रयुक्त हो तो परिरक रामकुर अलंकार होगा। उदाहरण के लिए वामा भामा कामिनी कही बोलो प्राणेश प्यारी कहत भी खिसात नहीं पावस चलत विदेश। यहाँ प्राणेश एवं प्यारी का कथन साभिप्राय किया गया है अथवा परिक रांकुर है। अलंकारों में अंतर यमक और श्लेष। यहाँ यमक अलंकार में एक शब्द अनेक बार प्रयुक्त होते हैं और हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है, लेकिन श्लेष में शब्द एक बार ही प्रयुक्त होता है लेकिन उसके विभिन्न अर्थ निकलते हैं। उदाहरण के लिए कनक कनक थे सोगनी मादकता अधिकाए वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। यहाँ कनक शब्द का दो बार दोहराया गया है लेकिन दोनों बार शब्द भिन्न भिन्न अर्थ है। इसका एक जगह अर्थ निकलता है सोना और दूसरी जगह धतुरा। श्लेष का देखिए रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन पानी गए न उबरे मोती माना सुन। यहाँ पानी शब्द श्लेष है। पानी का अर्थ मोती के संदर्भ में चमक मानुष के संदर्भ में इज्जत तथा चुन के संदर्भ में जल है। उपमा और रूपक उपमेय और उपमान में समानता दिखाई देती है जबकि रूपक में उपमेय तथा उपमान को एक मान दिया जाता है। उदाहरण के लिए चंद्रमा के समान सुंदर है उपमा उपमेय मुख और उपमान चंद्रमा के समान मुख चंद्रमान है। रूपक उपमेय और उपमान एक समान। उपमा और
उत्प्रेक्ष्य उपमा में उपमेय और उपमान में समानता दिखाई देती है, जबकि उत्प्रेक्ष्य में उपमेय में उपमान की संभावना की कल्पना की जाती है। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, उपमा मुख मानो चंद्रमा है। उत्प्रेक्ष उपमेय मुख में उपमान मानो की कल्पना।